हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेलवे के तीन कंपनी के शेयर वैल्यूएशन करेंगे और देखेंगे कौन सा शेयर बेहतर है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, पहला शेयर मैंने लिया है रेल विकास निगम लिमिटेड का। देखो, उसके बारे में देख लेते हैं पहले। देखो ये दोस्तों रेल विकास लिमिटेड के ऊपर देखो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर दे दिया। डिटेल वीडियो में आप इसमें देख सकते हो, इसमें मैंने सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, इसका देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3545 करोड़ है और उसका देखो बुक वैल्यू है 19 रुपीज़ 71 पैसा। और दोस्तों देखो करंट प्राइस उसका बीच में देखो बताया गया 17 रुपीज़ का। देखो इसका करंट प्राइस देखो बुक वैल्यू से भी कितना नीचे, कितना सस्ते रेट पर अवेलेबल है। बार यहाँ पर देखिए, फिर नीचे देखिए ROCE देखो 12.90% है, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी ठीक ठाक है। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू जैसे मैं बता रहा हूँ एक से भी कम है। फिर इंडस्ट्री PE देखो 17.62, इंडस्ट्री PE से भी कम लेवल पर देखो दिख रहा है। स्टॉक पी देखो 4.61 है बीच में बताया गया है, तो कितना कम रेट पर अवेलेबल है। प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 87.84% है, तो देखो इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। देखो पूरा कितना अराउंड 90% के आसपास गवर्नमेंट ने इसमें पैसा लगा रहा है, कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मतलब फिर करंट प्राइस 17 रुपीज़ तक है, स्टॉक पी 4.61, ROE देखो रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखो 16.83% भी अच्छा खासा है। फिर यहाँ पर देखो डेट टू इक्विटी 0.82 है, मतलब एक से कम होना चाहिए, बोले चलो ये डेट भी एक तरह से कम ही माना जाता है। फिर PEG रेशियो जो प्राइस अर्निंग तो ग्रोथ रेशियो देखेंगे तो ये भी कितना अच्छा खासा है। देखो दोस्तों एक से कम होना चाहिए, बोले एकदम ना के बराबर 0.15 है, तो मतलब ये बहुत बेहतर है दोस्तों। ये तो नीचे प्लेज भी कुछ भी नहीं है। फिर 52 वीक हाई और लो देख लेते हैं। 52 वीक हाई अराउंड 30 रुपीज़ तक गया, तो 10 रुपीज़ तक लो देखो हुआ है। डिविडेंड यील्ड देखो 0.5, डिविडेंड थोड़ा कम दे रही है। सेल्स ग्रोथ भी देखो अच्छा खासा 30.37% हुआ है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज़ है और इंट्रिंसिक वैल्यू देखो 9.22 तक है और अर्निंग पर शेयर देखो 3.73 रुपीज़ है। तो देखो हर एक लेवल पे ये इस वक्त भी देखो ये सस्ता रेट पर दिख रहा है दोस्तों। दोस्तों इसका एक प्रॉफिट एंड लॉस पर नज़र मार लेते हैं। देखो इसका 2014 से लेके अभी तक का देखो प्रॉफिट एंड लॉस पर देखेंगे तो देखो सेल्स बढ़ता ही जा रहा है। देखो अराउंड 2500 करोड़ के आसपास था, फिर 3000 करोड़ हो गया, 4500, तो बढ़ते बढ़ते देखो 13700 करोड़ तक गया हुआ है 20 के मार्च 20 के रिजल्ट में। देखो नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो देखो पहले 162 करोड़ था, हर बार देखो बढ़ रहा है, 200 करोड़, 300 करोड़, 389 करोड़, से 470 करोड़, 607 करोड़, 772, हर बार बढ़ा है। ज़बरदस्त प्रॉफिट एंड लॉस में एकदम ज़बरदस्त स्टेटमेंट है दोस्तों, एकदम ज़बरदस्त है। इसके आगे देखो दूसरे कंपनी हम देखते हैं अभी। देखो ये भी रेलवे की कंपनी है, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। इसमें इसके बारे में नजर मार लेते हैं। इसका मार्केट कैप देखो 4176 करोड़ है। देखो ये उससे थोड़ी बड़ी कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन से दोस्तों आपको पता चलता है कि कंपनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। मतलब उसके पहले देखो ये रेल विकास निगम जो था 3500 करोड़ के आसपास था, ये देखो 4176, थोड़ी सी बड़ी है, मतलब थोड़ा सिमिलर लेवल पर ही है। इसका बुक वैल्यू देखो 86 रुपीज़ के आसपास है और करंट प्राइस देखो यहाँ पर बीच में बताया गया 88 है। मतलब देखो दोनों आसपास ही चल रहा है, बुक वैल्यू और करंट प्राइस का एकदम, ये भी सस्ते रेट पर मिल रहा है आपको। फिर ROCE देखो 8.92% है, ये भी ठीक ही है, इतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद देखो ये प्राइस टू बुक वैल्यू देखो तो ये जिसे मैं बताया एक के आसपास चल रहा है। इंडस्ट्री PE देखो 8 है और ये भी इसके आसपास ही है, देखो PE 8.89। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग 89%, देखो 90% के आसपास, इसमें भी गवर्नमेंट ने 90% के आसपास लगा के रखा है, ज़बरदस्त इसमें होल्डिंग है गवर्नमेंट की। करंट प्राइस 88, स्टॉक PE 8.89 है चल रहा है। फिर ROE देखो 11.4 में भी ठीक है। फिर डेट टू इक्विटी देखो 0.5 तक है, इसमें एक से कम होना चाहिए। देखो इसमें थोड़ा और कम डेट है, उसमें रेल विकास निगम में देखो 0.8 के आसपास था ना, तो ये थोड़ा और भी इसमें और थोड़ा डेट कम है। फिर PEG रेशियो देखो माइनस में आ रहा है, ये माइनस पॉइंट है दोस्तों, ये इसके बारे में आपको बताता हूँ PEG रेशियो माइनस में क्यों आ रहा है। प्लेस कुछ भी नहीं है। फिर 52 वीक हाई और लो लेके देख लेते हैं। 52 वीक हाई देखो 120 तक था, लो 58 तक गया था। डिविडेंड यील्ड देखें तो 4.8, देखो उसमें डिविडेंड बहुत ज़बरदस्त दे रही है, ये बहुत प्लस पॉइंट है। बाकी रेल विकास में देखो डिविडेंड थोड़ा कम था। सेल्स ग्रोथ 24.4% है। फिर फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है, उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में आ रहा है। उसके बाद EPS देखो 9-10 रुपीज़ के आसपास ही है और ठीक है। बाकी दोस्तों इसका प्रॉफिट एंड लॉस पे नज़र मार लेते हैं। दोस्तों इसका ग्रोथ देखो जैसे कि माइनस में बताया, इसमें ग्रोथ बिल्कुल हुआ नहीं है दिख रहा 5-6 साल के। इसमें देखो प्रॉफिट एंड लॉस देखो कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है ना ये, और रेल विकास ये दोनों कंस्ट्रक्शन बेस्ड है कंपनी, तो कंस्ट्रक्शन में देखो कभी कभी कोई
उनका प्रोजेक्ट कोई पूरा कंप्लीट हो जाता है और फिर दूसरा साल में कोई कम प्रोजेक्ट में कुछ आधा प्रोजेक्ट अगले साल पूरा हो रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में उतार चढ़ाव रहती है। लेकिन रेल विकास में ऐसा नहीं था, हर साल बढ़ते ही जा रहा था, ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ। लेकिन इसमें देखो मार्च 2013 में आप नज़र मारोगे तो देखो इसका 4294 करोड़ का देखो ये सेल्स है, तो देखो ये 2019 तक भी देखो ये आसपास ही नज़र आ रहा है 4000, ये बहुत बढ़ना चाहिए ना ये। जैसे कि देखो मार्च 2010 में देखो 3152 था, उसके बाद भी थोड़ा कम ज़्यादा बढ़ ना, इतना खास बढ़ा नहीं है जैसे कि बढ़ना चाहिए जितना, तो वो देखो 5-6 साल से भी वही लेवल पर नज़र आ रहा है। नेट प्रॉफिट में भी देखेंगे तो आप मार्च 2013 में नेट प्रॉफिट देखो 805 करोड़ था, देखो मार्च 2019 तक भी 805 करोड़ तक पहुँच ही नहीं पाया, वो 20 में भी वो पहुँचा नहीं है। मतलब जैसे कि 2013 के बाद थोड़ा बढ़ना चाहिए ना, तो इस तरह से देखो ये ग्रोथ इसमें नज़र नहीं आ रहा है, ये थोड़ा इसमें माइनस पॉइंट है दोस्तों। फिर देखो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड है थर्ड कंपनी, मतलब IRCTC, तो ये इसके अंदर हम क्या है देख ले दोस्तों, इसे तीनों कंपनी में से बिजनेस मॉडल देखेंगे तो सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल IRCTC का है। एक दोस्तों रेलवे का जो है ना, इनका जो कैटरिंग का रेल ऑनलाइन टिकट बुकिंग, इसमें बहुत अच्छा इनका ग्रोथ है दोस्तों, ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल में नंबर वन पे आ जाता है दोस्तों। तो ये देखेंगे तो इस वो इसके बारे में भी देख लेते हैं। मार्केट कैप देखो 20,530 करोड़, ये दोनों कंपनी से बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, ये मार्केट कैप से पता चलता है उनको 3,500-4,000 करोड़ था ये दोनों का, अभी देखो 20,000 करोड़ तक इसका है। उसका बुक वैल्यू देखो 65 रुपीज़ है और उसका करंट प्राइस देखो 1282 रुपीज़ है, देखो मतलब कितना, और प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 20 गुना है, मतलब बाकी का आपने तो देखा था एक एक गुना के आसपास था, 20 गुना इतना महंगा है, मतलब इसका बिजनेस मॉडल के हिसाब से इतना ही इसमें डिमांड चल रहा है ना, लोग खरीदने के लिए बहुत रेडी है इसको। 2,000 रुपये तक रेट चला गया था फिर भी पब्लिक खरीदती जा रही थी। तो इसका दोस्तों माइनस पॉइंट ये है कि बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, देखो 20 गुना का बुक वैल्यू पे चल रहा है, और बाद में ROCE देखो कितना, ये भी देखो ग्रोथ ज़बरदस्त 43.41%, बाकी का आपने पुराने दो कंपनी को देखा था 8% 10% ऐसे कुछ था, ये देखिए 43% इतना अच्छा ROCE, तो पापा इतना ज़बरदस्त ग्रोथ है, मतलब अंदर प्राइस टू बुक वैल्यू देखो 20 गुना है, महंगा है। फिर इंडस्ट्री पी तो उसमें ही बताया है। फिर प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 87-90% के आसपास इसमें गवर्नमेंट ने भी होल्डिंग किया हुआ है, भी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कंपनी है। करंट प्राइस 1282 है, प्राइस PE देखो 75 होना है, कितना बहुत महंगा है इस रेट पर, तो मैं बोलूँगा दोस्तों ये बहुत महंगा रेट पर दिख रहा है। कंपनी अच्छी है लेकिन उसको अच्छे रेट पे लोगे तभी आप फायदे में नहीं रहोगे ना, तो कंपनी अच्छी है लेकिन आप अचानक से गिर जाएगा रेट तो मतलब नहीं है, फिर आप लॉस में आ जाओगे। तो उसमें देखो फिर डेट टू इक्विटी देखो 0, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों। बाकी के दूसरे दो कंपनी में देखो डेट था उनका, रेल विकास में देखो 0.82 के आसपास था, और इरकॉन में भी 0.5 तक था, मतलब तो इसमें देखो 0 है, इसमें डेट ही नहीं है, ये बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है इसमें। और बाद में देखो प्लेस पर्सन कुछ नहीं है, 52 वीक हाई लो देखा 2000 के आसपास चला गया था, लो 625 तक, 625 मतलब जो IPO से निकला था उस तो लेवल तक पहुंचा ही नहीं अभी तक। उसके बाद डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम है 0.78% है, सेल्स ग्रोथ 10.97% है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, ये फिर अर्निंग पर शेयर EPS है 17 रुपीज़ के आसपास। दोस्तों उसका प्रॉफिट एंड लॉस पर भी एक बार नज़र मार देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में देखो यहाँ पर मार्च 2015 से लेके अभी तक देखो मार्च 19 तक बताया है प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें देखो बढ़ता जा रहा 1000 था, पर अभी देखो 2019 में देखो डबल के आसपास हो गए 1868 करोड़, ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट में भी देखो पहले मार्च 15 में 131 करोड़ था, अभी देखो बढ़ते 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 सीधा 273 करोड़ हो गया मार्च 2019 में, वो भी बहुत ग्रोथ सेल्स और नेट प्रॉफिट में सब कुछ देखो ज़बरदस्त लेवल पर नज़र आ रहा है। तो देखो अगर दोस्तों अब ये तीनों का अगर देखा जाए कंपेयर करेंगे ना, तो अगर सस्ता और क्वालिटी शेयर अगर देखेंगे ना, तो अभी रेल विकास निगम का ये रेट पे भी यही सस्ता ही दिख रहा है दोस्तों। लेकिन अभी देखो जो प्रॉब्लम चल रहा है कोरोना वायरस का, तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि आप उसमें खरीद लो जाके, तो सस्ते लेवल पर तीनों को देखेंगे अगर देखो, तब तीनों में सबसे अच्छा कौन सा कंपनी है तो IRCTC है, लेकिन वो बहुत महंगा है, महंगा लोग लेके मतलब नहीं है दोस्तों। और उसके बाद देखो रेल विकास अच्छा भी, क्वालिटी भी है, ग्रोथ भी है उसके अंदर, और सस्ता भी रेट पर अवेलेबल है, तो लेकिन तीनों में देखो, और इरकॉन भी अच्छा है दोस्तों उसमें नहीं, लेकिन क्या देखो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्कस करके बताया, 5-6 साल में देखो इसमें जो ग्रोथ नज़र ही नहीं आ रहा है जिसके अंदर जैसे मैं बताया, तो लेकिन वो नहीं बोलता आगे क्या होने वाला पता नहीं, आगे अच्छा उनका प्रोजेक्ट में काम होगा तो अचानक से जंप भी ले लेगा। तो तीनों कंपनी अच्छी है, लेकिन वो आप मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन से रेट पे इसको ले रहे हो, तीनों में से जो भी अच्छे रेट पर आपको अवेलेबल होगा तुरंत उसमें
आप एक्शन लेके ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों इसमें देखो मैंने इसमें बाइंग स्ट्रेटेजी मैंने देखो रेल विकास निगम लिमिटेड और IRCTC का देखो बाइंग स्ट्रेटेजी मैंने एक ये वीडियो में बताया हुआ है, आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और ये इरकॉन जो है इरकॉन का भी आप जैसे अच्छे रेट पर आ जाए, जैसे देखो एक 53-55 के आसपास देखो 52 वीक लो हाई पर गिरा था, तो वो लेवल पर मेरे हिसाब से देखो ये एक बार जरूर देखो अभी मार्केट गिर रहा है तो एक बार जरूर एक अपना बॉटम तोड़ के जरूर एक बार नीचे जाएगा, तो उसके बाद एक अच्छी बाइंग इसमें भी हो सकती है। क्योंकि देखो इसमें देखो अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस मैंने बताया है उसमें इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बाकी का ये दो कंपनी में बहुत बेस्ट ज़बरदस्त है, तो इसमें आप मैंने स्ट्रेटेजी बना के रखा है उसको देख के आप अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से शुरू कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों इसमें कुछ भी एक्शन लेना है तो अपने आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर पूछिए और उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लीजिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।